चलिए दोस्तों, थर्ड वीडियो देखते हैं आज का। और क्वेश्चन नंबर 41, सामाजिक अन्याय सुरक्षा है, सभी का मूलभूत अधिकार, केवल अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों का मूलभूत अधिकार, केवल अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों का मूलभूत अधिकार, और कुछ निर्देश वर्गों के संबंध में राज्यों के लिए निर्देशक तत्व। जल्दी से बताइए आंसर, टाइम स्टार्ट नाउ। 41 क्वेश्चन आया था, एमपी एपीओ 1995 का क्वेश्चन है। राइट आंसर, सभी का मूलभूत अधिकार। सभी का मूलभूत अधिकार। सीईएससी लिमिटेड बनाम सुभाष चंद्र बोस के बाद में अभी निर्धारित किया गया है कि सामाजिक अन्याय से सुरक्षा सभी का मूलभूत अधिकार है। नाउ क्वेश्चन नंबर 42, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? साक्षरता, स्वास्थ्य, अस्पृश्यता का निवारण और खाद्य गारंटी। जल्दी से आंसर दीजिए 42 का। एमपी सिविल जज 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। ओके, राइट आंसर इज सी, अस्पृश्यता का निवारण, सेक्शन आर्टिकल 417 में है आपके वर्णित है। आर्टिकल 17 अस्पृश्यता के निवारण से संबंधित है, सबको पता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 43, संविधान कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता अनुमोदन करता है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध करता है? आर्टिकल 16, 18, 17, 19। राइट आंसर, उत्तराखंड पीसीएस जूनियर प्रीलिम 2008, छत्तीसगढ़ पीसीएस 2005, यूपी पीसीएस 2002 में पूछा गया था। राइट आंसर इज बी, हम सबको पता है आर्टिकल 17 अस्पृश्यता के अंत के बारे में है। क्वेश्चन नंबर 44, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट में से किस अनुच्छेद के कार्यान्वयन में अधिनियमित किया गया है? आर्टिकल 17, 18, 23, ऊपर में से कोई भी नहीं, जल्दी से बताइए। 44, यूपी पीसीएस 2005। यस, राइट आंसर इज 17, आर्टिकल 17। क्वेश्चन नंबर 45, ए सिटीजन ऑफ इंडिया हु होल्ड्स एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और ट्रस्ट अंडर द स्टेट कैन नॉट एक्सेप्ट एनी टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट विदाउट द कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर ऑफ द लोकसभा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ये तो राइट आंसर, टाइम स्टार्ट्स नाउ। सबको पता है इसका आंसर, जल्दी से बताइए। यूपी हायर एजुकेशन प्रीलिम 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। राइट आंसर इज प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की अनुमति के बिना नहीं ले सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18(4) के अनुसार कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, राज्य के अधीन किसी लाभ या विश्वसनीय पद पर है, बिना राष्ट्रपति की संबंधि के किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता है, वह राज्य प्रशासन से संबंधित मामलों पर से सभी प्रकार के विदेशी प्रभाव समाप्त करता है और व्यक्ति में भारत के प्रति निष्ठा की भावना का सृजन करता है। क्वेश्चन नंबर 46, निम्न में से किसके अंतर्गत भारत में अस्पृश्यता को समाप्त घोषित किया गया है? नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989, भारतीय संविधान, उपरोक्त तीनों द्वारा, बताइए। एमपी एपीओ 1997 में क्वेश्चन पूछा गया था। यस, राइट आंसर इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 के द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त घोषित किया गया है, जबकि नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम इसके लिए दंड की व्यवस्था करता है और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम में भी इस हेतु दंड की व्यवस्था की गई है। क्वेश्चन नंबर 47, क्या कोई भी भारतीय नागरिक किसी विदेशी राज्य से उपाधि ग्रहण कर सकता है? हाँ, परंतु संसद की पूर्वानुमति के पश्चात ही। हाँ, परंतु भारत के राष्ट्रपति की पूर्वानुमति के पश्चात ही। नहीं, बताइए। 47, एमपी एपीओ 1995 में क्वेश्चन पूछा गया था। यस, राइट आंसर इज सी, हाँ, परंतु भारत के राष्ट्रपति की पूर्वानुमति के पश्चात ही। नाउ क्वेश्चन नंबर 48, उच्चतम न्यायालय ने किस बात में यह निर्धारित किया है कि तीव्र गति से विचार एक मूल अधिकार है जो संविधान के अनुच्छेद 21 में अंतर्निहित है? ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज, हुस्न आरा खातून नंबर 1 बनाम गृह सचिव बिहार राज्य, सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य, चमेली सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। गिव द राइट आंसर, टाइम स्टार्ट्स नाउ। 48, यूपीपीसीए 2008 में क्वेश्चन पूछा गया था। राइट आंसर इज बी, हुस्न आरा खातून नंबर 1 बनाम गृह सचिव बिहार राज्य के बाद में उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया है कि तीव्र गति से विचार एक मूल अधिकार है जो संविधान के अनुच्छेद 21 दैहिक स्वतंत्रता के मूल अधिकार में अंतर्निहित है। क्वेश्चन नंबर 49, त्वरित विचार का अधिकार है, संवैधानिक अधिकार, मौलिक अधिकार, विधिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत क्या है, बताइए।
त्वरित विचारण का अधिकार, उत्तराखंड पीसीए जूनियर फिल्म 2011, राइट आंसर इज मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। 50 आर्टिकल 19 द्वारा प्रदत्त स्वतंत्रताएं स्वतः ही निलंबित हो जाती हैं, जबकि अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा निम्न आधार पर की जाती है, युद्ध बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह, युद्ध या सशस्त्र विद्रोह, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह, युद्ध या बाह्य आक्रमण। द राइट आंसर टाइम स्टार्ट नाउ। क्वेश्चन नंबर 50 उत्तरांचल पीसीए 2005 में क्वेश्चन पूछा गया था, राइट आंसर इज डी युद्ध या बाह्य आक्रमण। संविधान के अनुच्छेद 358 के अनुसार युद्ध या बाह्य आक्रमण अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा के कारण अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त स्वतंत्रताएं स्वतः निलंबित हो जाती हैं। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा अनुच्छेद 358 में दो महत्वपूर्ण संविधान संशोधन किए गए हैं। पहला, जब अनुच्छेद 358 के अधीन अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को युद्ध या बाह्य आक्रमण से देश पर संकट के आधार पर ही उद्घोषणा होने पर स्वतः निलंबित हो जाएगा। सशस्त्र विद्रोह के आधार पर की गई आपात उद्घोषणा में अनुच्छेद 19 का निलंबन नहीं किया जा सकेगा। वहीं अनुच्छेद 358 के अधीन केवल उन्हीं विधियों को न्यायालयों में चुनौती दिए जाने से संरक्षण मिलेगा जो आपात उद्घोषणा से संबंधित हैं। अन्य विधियों की विधि मान्यता को आपात के दौरान भी चुनौती दी जा सकती है। इस संशोधन के पूर्व अन्य विधियों की विधि मान्यता को न्यायालयों में चुनौती नहीं दी जा सकती थी। अनुच्छेद 358 के अनुसार युद्ध या बाह्य आक्रमण के कारण देश पर संकट के आधार पर अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का स्वतः निलंबन हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 51 त्वरित विचारण का अधिकार है, मौलिक अधिकार, अपन ने इस क्वेश्चन को देख लिया था। क्वेश्चन नंबर 52 ये भी हमने अभी देख लिया था ना, क्वेश्चन नंबर 52 भी हमने अभी देख लिया था युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर। नाउ क्वेश्चन नंबर 53 भ्रमण की स्वतंत्रता पर निम्नलिखित में से किस आधार पर राज्य द्वारा निर्बंधन लगाया जा सकता है, कदाचार द्वारा, लोक व्यवस्था के आधार पर, किसी अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के आधार पर, उक्त में से सभी के आधार पर, बताइए जल्दी से। 53 यूपीपीसीएस 1991 में क्वेश्चन पूछा गया था। यस राइट आंसर इज सी किसी अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के आधार पर। भ्रमण की स्वतंत्रता पर अनुच्छेद 19 क्लॉज 5 के द्वारा निम्नलिखित आधार पर युक्ति निर्बंधन लगाया जा सकता है, नंबर 1 साधारण जनता के हित में, दूसरा किसी अनुसूचित जनजाति के हित के संरक्षण के लिए। क्वेश्चन नंबर 54 संविधान के अनुच्छेद 19 में प्रदत्त मूलभूत स्वतंत्रताएं प्राप्त है केवल भारत के नागरिकों एवं विदेशियों को, उपरोक्त ए तथा बी दोनों को, भारत में रहने वाले विदेशियों को, बताइए किसको है। मध्य प्रदेश एपीओ 2000 में क्वेश्चन पूछा गया था, आर्टिकल 19 में प्रदत्त मूलभूत स्वतंत्रताएं किसको प्राप्त है, राइट आंसर इज ए भारत के नागरिकों को, सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। संविधान के अनुच्छेद 19 से प्रदत्त मूलभूत स्वतंत्रताएं केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त हैं, ना कि विदेशियों को। संविधान के अनुच्छेद 15, 16, 19, 20, 29 व 30 के अधीन प्रदत्त मूल स्वतंत्रताएं सिर्फ भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त हैं, ना कि विदेशियों को। आर्टिकल 15, 16, 19, 29 व 30। क्वेश्चन नंबर 55 निम्नलिखित बादों में से किस बाद में है अभी निर्धारित किया गया है कि ऋषिकेश नगरपालिका क्षेत्र के अंतर्गत अंडे बेचने पर लगाया गया निषेध संविधान के अनुच्छेद 19(1)(g) का उल्लंघनकारी नहीं है, बीआर एंटरप्राइजेस बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, ओम प्रकाश बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, सी के जैन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, श्रीनिवास जनरल ट्रस्ट बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, बताइए जल्दी से आंसर। उत्तराखंड सिविजल 2009, यूपीपीसीए 2008, एमपीएपीओ 1999। राइट आंसर इज बी ओम प्रकाश बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में अभी निर्धारित किया गया है कि ऋषिकेश नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत अंडे बेचने पर लगाया गया निषेध संविधान के अनुच्छेद 19(1)(g) का उल्लंघनकारी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 56 कौन सा कथन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के संबंध में सही नहीं है, यह 6 स्वतंत्रताएं गारंटी करता है, यह इस अनुच्छेद द्वारा प्रदत्त स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में वर्णित युक्ति निर्बंधों के अधीन है, अनुच्छेद 19 में प्रदत्त गारंटी की कई की गई स्वतंत्रताएं केवल नागरिकों को प्राप्त है, अनुच्छेद 19 से प्रदत्त की गई स्वतंत्रताएं किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है, बताइए जल्दी से आंसर। 56 यूपीपीसीए 2005 राइट आंसर इज डी अनुच्छेद 19 में प्रदत्त की गई स्वतंत्रताएं किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है। संविधान के भाग 3 में स्वतंत्रता के अधिकार में अनुच्छेद 19 के अंतर्गत प्राप्त 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त हैं, सभी व्यक्तियों अर्थात विदेशी नागरिकों को यह अधिकार प्राप्त नहीं है।
ज्ञातव्य की अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 तथा 30 के द्वारा प्रदत्त मूलभूत मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही उपलब्ध है, विदेशियों को नहीं। 57 आर्टिकल 19 द्वारा प्रत्यभू स्वतंत्रताओं के प्रवरों की संख्या है 6, 8, 7 एवं 9। यह आया था मध्यप्रदेश अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश फिल्म 2010 में। आर्टिकल 19 द्वारा प्रदत्त प्रत्यभू स्वतंत्रताओं के प्रवरों की संख्या है 6। राइट आंसर इज 6। 58 वाणी एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में निम्नलिखित सम्मिलित है, प्रदर्शन का अधिकार, सिनेमा फिल्म को दिखाने का अधिकार, प्रेस का अधिकार, उपरोक्त सभी। गिव द राइट आंसर। टाइम स्टार्ट्स नाउ। 58 यूपीपीसीएस 1994। राइट आंसर इज डी, उपरोक्त सभी। प्रदर्शन का अधिकार, सिनेमा फिल्म को दिखाने का अधिकार, प्रेस का अधिकार, सभी इसमें शामिल है। क्वेश्चन नंबर 59 संविधान के पाठ के अनुसार भारत की संप्रभुता और अखंडता के हित में निम्नलिखित में से किस अधिकार पर युक्तियुक्त निर्बंधन आरोपित अधिरोपित किए जा सकते हैं? कोई उपजीविका व्यापार कार्रवाई करने की स्वतंत्रता का अधिकार, भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने और बस जाने की स्वतंत्रता का अधिकार, भारत के राज्य क्षेत्र में अबाध संचरण का अधिकार, बाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। बताइए जल्दी से। 59 यूपीपीसीएस सप्लीमेंट 2004। राइट आंसर इज डी, बाक और व्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। संविधान के अनुच्छेद 19 क्लॉज 2 के अनुसार अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त नागरिकों की बाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर भारत की प्रभुता और अखंडता, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार, राज्य की सुरक्षा, न्यायालय, अपमान, मानहानि तथा अपराध उद्दीपन के आधार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। साथ ही शांतिपूर्ण एवं निर्णय सम्मेलन करने, संगम अथवा संघ बनाने पर भी भारत की संप्रभुता एवं अखंडता या लोक व्यवस्था के हित में युक्तियुक्त निर्बंधन अधिरूपित किए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 आर्टिकल 19 क्लॉज 2 के अंतर्गत हिकलिन टेस्ट संबंधित है, शालीनता एवं नैतिकता, मानहानि, भारतीय अखंडता, कोई भी नहीं, किस पे आधारित है? उत्तराखंड पीसीए जूनियर फिल्म 2014। राइट आंसर इज ए, शालीनता एवं नैतिकता, हिकलिन टेस्ट। संविधान के अनुच्छेद 19 क्लॉज 2 के अंतर्गत हिकलिन टेस्ट शालीनता एवं नैतिकता से संबंधित है। अनुच्छेद 19(2) के तहत बाक एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता पर शिष्टाचार या सदाचार के हित में निर्बंधन लगाए जा सकते हैं। हिकलिन टेस्ट को आर बनाम हिकलिन के एक आंग्लवाद में प्रस्तुत किया गया था। उच्चतम न्यायालय ने इस निर्णय में प्रतिपादित कसौटी को स्वीकार किया है तथा रंजीत डी उड़ेसी बनाम महाराष्ट्र राज्य का मामला इस पर महत्वपूर्ण निर्णय है। क्वेश्चन नंबर 61 संगम बनाने के अधिकार में सम्मिलित है, किसी संघ का सदस्य होने से मना करने का अधिकार, किसी संघ की मान्यता प्राप्त पाने का अधिकार, दोनों, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। क्योंकि राइट आंसर, टाइम स्टार्ट्स नाउ। 61 यूपीपीसीएस 1999। राइट आंसर इज ए, किसी संघ का सदस्य होने से मना करने का अधिकार। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज सी के अंतर्गत संगम बनाने के अधिकार में संस्था या संगम बनाने या न बनाने, उसे चालू रखने या ना रखने, या उसमें शामिल होने या ना होने की पूर्ण स्वतंत्रता का अधिकार सम्मिलित है। साथ ही संगम बनाने के अधिकार में उसके संगठन या प्रबंध का अधिकार भी निहित है, परंतु इस अधिकार में किसी संघ की मान्यता पाने का अधिकार सम्मिलित नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62 सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, सम्मेलन की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(2), व्यक्ति व्यापार उपजीविका की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(4), अभिव्यक्ति स्वतंत्रता 19(3), और संगम की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(6). राइट आंसर, टाइम स्टार्ट्स नाउ। 62 यूपी सिविल 2003 में क्वेश्चन पूछा गया था। 3, 4, 1, 2 इज राइट आंसर। 3 मतलब सम्मेलन की स्वतंत्रता आपकी अनुच्छेद 19(3) में है, वहीं व्यक्ति व्यापार की उपजीविका की स्वतंत्रता आपकी अनुच्छेद 96 में है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(2) में है, और संगम की स्वतंत्रता है आपकी 19(4) में। इसका मतलब आंसर क्या हो गया आपका? आंसर हो गया 3, 4, 1, 2 इज करेक्ट आंसर।